हेलो गाइस, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल वॉच ऑफिशियल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, लेकर के आ गया हूं आपके लिए काफ़ी शानदार वीडियो, जिसमें फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने एफपी अकाउंट को सिक्योर कैसे कर सकते हैं, ताकि कोई आपको हैकर जो है आपका अकाउंट एक्सेस नहीं कर पाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, सिंपल इसके लिए हमें क्या करना होगा कि अपनी एफबी पे चले जाना है। कहाँ पे एफबी? हाँ, एफबी फेसबुक। और फेसबुक पे फ्रेंड्स जाने के बाद हमें सीधा सिंपल चले जाना है थ्री लाइंस पर। और इसके बाद हमें चले जाना है कहाँ पे कि सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। हाँ, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पे जाने के बाद फ्रेंड्स हमें सिंपल चले जाना है सेटिंग्स पे। इसके बाद फ्रेंड्स हमें चले जाना है हाँ सिक्योरिटी एंड लॉगिन पे। सिक्योरिटी एंड लॉगिन पे जाने के बाद फ्रेंड्स हमें चले जाना है यूज़ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो यूज़ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को करके हमें चले जाना है टेक्स्ट मैसेज वाले पे। टेक्स्ट मैसेज या फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है SMS, इसको क्लिक करके हमें कंटिन्यू पे सीधा सिंपल चले जाना है। फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना मोबाइल नंबर एंटर कर चुका हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स सिंपल आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको अपना पासवर्ड डालना होगा। हाँ, तो फ्रेंड्स मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया है। हाँ, तो फ्रेंड प्रोसेसिंग हो रहा है अभी। यहाँ पे नेटवर्क काफ़ी स्लो है, इस वजह से टाइम लग रहा है फ्रेंड्स। एक बार वापिस बैक करके देखते हैं। टेक्स्ट मैसेज SMS पे क्लिक किया, फोन नंबर एंटर करना। फोन नंबर एंटर करने के बाद फ्रेंड्स आपको सिंपल कंफर्म पे कर देते हैं। हाँ, तो OTP आएगा 3332953332। कंटिन्यू पे कर देना है। हाँ, तो फ्रेंड्स फाइनली हो चुका है हमारा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन। इसके बाद फ्रेंड्स अब जब हम अपने अकाउंट पे लॉगिन करेंगे तो हमें करना होगा, सबसे पहले OTP हमें डालना होगा, तो ही हम लॉगिन कर सकते हैं। कोई भी हमारा अकाउंट एक्सेस नहीं कर पाएगा फ्रेंड्स। पहले मैं अपने अकाउंट को लॉग आउट कर देता हूँ। हाँ, तो इसको कर देता हूँ यहाँ से रिमूव अकाउंट। फ्रेंड्स, रिमूव अकाउंट करने के बाद आपको सिंपल लॉग इन टू अनदर अकाउंट में कर देना है। इसके बाद मैं डालने लगा हूँ अपना पासवर्ड, सॉरी जीमेल। तो इसके बाद मैं डाल लूँगा अपना पासवर्ड।
उसके बाद हमें करना लॉग इन के लिए। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए हमें अब लॉग इन कोड मांग रहा है, तो कोड हमें आएगा तो फिर हम डालेंगे, तो ही हम लॉग इन कर सकते हैं। 6797 5767 6797 5767। अब हम कंटिन्यू पे करेंगे तो हमारा लॉग इन हो जाएगा। हाँ तो देखिए फ्रेंड्स हमें मतलब अपने मोबाइल पे भी हमें लॉगिन करने के लिए ओटीपी डालना होगा, तो ही हम अपने मोबाइल पे पर भी लॉगिन कर सकते हैं, तो हैकर हमारा अकाउंट कैसे एक्सेस कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और फ्रेंड्स मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।